है चर्चाओं में है चिकित्सा महकमे का तबादला फरमान। निदेशक ने बदले कार्मिक निदेशक, बेखबर और बात विभाग में कार्य संपादन के नाम पर कर्मचारियों की बदली से जुड़ी है। दरअसल निदेशक के अधीन आते हैं सभी अराजपत्रित अधिकारी, लेकिन निदेशक आरपी माथुर ने 9 कार्मिकों का अनुभाग बदल दिया। 8 कार्मिकों को लगाया योजना अनुभाग में, जबकि 1 को आईईसी में भेजा है। आदेश में हालांकि उच्च स्तर के अनुमोदन का जिक्र है, लेकिन फिर भी चर्चाओं में आदेश वो इसलिए क्योंकि निदेशक को बगैर बताए उनके 3 कर्मचारियों को शिफ्ट यहाँ पर कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या जहां से अनुमति ली क्या वहां नहीं दी गई पूरी व्यवस्था की जानकारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि जहां से अनुमति ली गई है वहां पर शायद इस पूरी व्यवस्था को लेकर जानकारी नहीं दी गई। और ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि ये चर्चा जो है इस आदेश को लेकर वो तेज इसलिए हो चुकी है क्योंकि निदेशक को बगैर बताए उनके 3 कर्मचारियों को शिफ्ट यहाँ पर कर दिया गया। पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, वो देखिए अगर इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए तो निदेशक को बगैर बताए उनके 3 कर्मचारियों को शिफ्ट कर दिया गया, या तो यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि अनुमति तो ले ली गई लेकिन जो व्यवस्था है उसकी शायद पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई। आपके पास क्या अपडेट है विकास इस पूरी खबर को लेकर? आदेश है, ये पूरे चिकित्सा भवन जो है, स्वास्थ्य भवन जिसको बोलते हैं, वहां पर एक बड़ा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चर्चाओं का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि सिस्टम ने एक व्यवस्था बना रखी है, जो भी निदेशालय के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उसमें जो डॉक्टर फील्ड से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जितने भी लोग डॉक्टर हैं, वो सभी लोग निदेशक जन स्वास्थ्य के अधीन आते हैं। और उसके अलावा जो नॉन रजिस्टर्ड श्रेणी के कर्मचारी है, चाहे वो बाबू हैं चाहे वो और अधिकारी हैं, वो सभी लोग जो है निदेशक अराजपत्रित के अधीन आते हैं, जो की आरएस अधिकारी की पोस्ट है। तो ये दोनों पोस्टें अपने अपने अलग अलग काम करती है, लेकिन अभी 2 दिन पहले जो आदेश निकाले गए, जो 8 कर्मचारियों को योजना अनुभाग के अंदर लगाया गया, ये तमाम जो अधिकारी हैं, जो वो सभी अधिकारी निदेशक अराजपत्रित के अधीन आते हैं, जिन सभी को बगैर कोई सूचना दिए हुए निदेशक अराजपत्रित को और निदेशक जन स्वास्थ्य जो है उन्होंने योजना अनुभाग के अंदर उनका शिफ्ट कर दिया। सबसे आश्चर्य की बात है कि निदेशक अराजपत्रित के अधीन जो 3 कर्मचारी कार्यरत है उनके पास जो अनुभाग है उसके अंदर 3 जो कर्मचारी है उनको भी हटा दिया गया और उनको हटा करके योजना अनुभाग को लगा दिया गया। उनको पता तक नहीं इस बात का कि मेरे यहाँ से 3 कर्मचारी हट गए। इस पूरे मामले में जब हमने निदेशक अराजपत्रित से पूछा तो उनका वो खुद इस बात से चौंक गए कि ऐसा संभवतः कभी होता नहीं है कि अराजपत्रित से बिना अनुमति के या फिर उनकी बिना संज्ञान में लिए हुए उनके अधीन के कर्मचारी जो है उनको हटा लिया गया। तो एक बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है आदेश, और इसलिए बना, हालांकि इस पूरे मामले में निदेशक जन स्वास्थ्य ने जो आदेश निकाला है उसमें लिखा हुआ है कि उच्च स्तर पर इसका अनुमोदन कराया हुआ है, लेकिन संभवतः शायद उच्च स्तर पर इस बात की जानकारी दी नहीं गई होगी कि जो व्यवस्था है वो ये बनी हुई है कि जो अराजपत्रित कर्मचारी जो भी है वो निदेशक अराजपत्रित के अधीन आते हैं और वहीं से इसके आदेश निकलते हैं। तो ये पूरा आदेश जो है अभी चर्चाओं का विषय इसलिए बना हुआ है कि निदेश जन स्वास्थ्य की तरफ से आदेश निकले हैं, जबकि आदेश निकलने चाहिए निदेशक अराजपत्रित की तरफ से। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी।